बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है थर्सडे, हम जाने वाले हैं यहाँ से गाड़ी का इंस्पेक्शन के लिए। जो अभी गाड़ी हमने ये रैप करवाई थी, इसका आज पहला इंस्पेक्शन है। देखेंगे कि कहाँ से कोई इसका जो रैप है निकला तो नहीं हुआ, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर इसको ठीक करके देंगे। तो चलिए चलते हैं। जज़ाकल्लाह। इसको यार साफ कर देते हैं थोड़ी बहुत, हाथ मार देते हैं, क्या देखो थोड़ी चमकेगी ना इसलिए। चलो चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम जिस हाल में होते हो, या कुरान में से कुछ पढ़ते हो, या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ होते हो तो हम तुम्हारे पास होते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार से कोई जर्रा भर भी चीज पोशीदा नहीं रहती, न जमीन में और न आसमान में, और न कोई चीज है उससे छोटी और न बड़ी, मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। सो गाइस, अभी आ गए इधर कार्बन एंड क्रोम में, सामने ही रहा वो। हाँ, सामने ही है, बट उससे अच्छा डेकोरेट किया है। अरे भाई साहब, अरे भाई, मस्त डेकोरेट किया है। चलो जी चलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। और क्या बोल रहे? फाइनली वी हैव कम फॉर अ चेकअप, लेट्स हैव अ लुक। इतनी गंदगी भी हो रही है सर। हाँ, साफ कर दी थी। साफ मतलब पानी से थोड़ा, मतलब ऐसा कुछ नहीं। गुस्सा हो गया भाई, भगवान। दूसरी साइड, माइनर है, माइनर है गाइस, माइनर है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है सर। जी जी, बस थोड़ा सा वो मिरर के इधर से, साइड मिरर की इधर से थोड़ा हुआ पड़ा है। अच्छा लग रहा है, बोलो तुम। अच्छा लग रहा है, लग रहा है, अच्छा एक्शन है वो। एब्सोल्युटली, आपके फोटो देखे मैंने, आपने जब घर के पिक्चर्स डाले लेते हैं, वो 2 साल के बाद इस पे कलर चढ़ा देंगे, यही वाला। इसको रखो 3 साल, फिर अपग्रेड कर लो भाई। 2 साल के बाद अपग्रेड है भाई, 2 साल के बाद अपग्रेड है, मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा इंशाल्लाह। और क्या चाहिए? पॉलिश मारने वाला जो आप बोल रहे थे वो है आपके पास? चलो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, मैं जितना जल्दी हो सकता हूँ जल्दी मीटिंग खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। ओके बाय बाय। अभी हम टेल्स एंड स्पिरिट जा रहे हैं सामने, बट गाड़ी यहाँ पे लगा दूँ मैं। चलो गाइस, टेल्स एंड स्पिरिट आए थे हम लोग, तो यहाँ पे नहीं, वहाँ पे लगाएंगे गाड़ी, इधर इधर लगा देंगे गाड़ी। क्या लग रही है गाड़ी, देखो। चलो भाई, क्या जाने दो। चलो क्या हुआ? गेट में आके देखो गाड़ी लगा देते हैं। वो बात भी सही है। A few moments later. Guys, Tales and Spirit में जो खाने आए थे वो मिला ही नहीं। आज तो सारे काम उल्टे ही हो रहे हैं। गाड़ी का काम भी आज नहीं हुआ, बिकॉज सैटरडे को उन्होंने बुलाया है, और यहाँ पे खाना खाने आए तो यहाँ पे इनका तंदूर नहीं चल रहा, बोले 5-7 बजे के बाद मिलेगा तंदूर। क्या करूँ मैं, मेरे को मुर्गा खाना था आज, मन कर रहा मेरा तंदूरी मुर्गा खाने को। कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप कोई भी काम कर लो, मतलब किधर भी जाओ कुछ भी कर लो, कोई काम नहीं बनता आपका। तो आज वही वाला दिन है हमारा कि कुछ भी कर रहे कोई काम नहीं बन रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं क्या खाऊं। ओ भाई, ये बढ़िया लग रहा था मेरे को, गोलगप्पे मस्त लग रहे थे भाई वहाँ। हाँ, गोलगप्पे खाते आज। हाँ, थोड़ा सा भाई चेंज करते हैं आज, क्या दिख। दिल्ली वाले, दिल्ली वालों के पास जा रही है इस पर, गाड़ी कहाँ लगाऊं दिल्ली वाले। डू नॉट पार्क व्हीकल इन फ्रंट ऑफ गेट। सो गाइस, देखो क्या दिन है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला, अच्छा था, गोलगप्पे खाने थे, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत फेमस था, सोचा वहाँ पे खाएंगे कुछ, वहाँ पे भी नहीं खा पाए। देखो क्या दिन चल रहा है आज हमारा, मतलब गाड़ी नहीं लग रही भाई कहीं पे। कहाँ पे गाड़ी लगाए हम, क्या खाऊं मैं, किधर लगाऊं गाड़ी। A few moments later. So guys, यहाँ पे बर्गर किंग पे आए हैं हम, बीके कैफे, बीके कैफे, ये बीके कैफे, बर्गर किंग कैफे। वाह भाई, आज तो बड़ी खुआरी हो गई है ना, इतनी दूर हमने पार्किंग लगाई है ना इसकी, गाड़ी की पार्किंग बहुत दूर लगा के आई है। हमने खाना क्या था और खा क्या रहे हैं, मुझे तंदूरी मुर्गा खाना था और खा हम रहे हैं इधर बर्गर। सो गाइज, ये देखिए हमारा वेज ऊपर आ चुका है, हरमन लेके आ चुका है,
अभी ये मौका लेके आएगा वहाँ पे, हमारा मौका बन गया। ढीले तो नहीं, कड़क है भाई, गरम दिया उसने। उसको बोला मैं, बोला मेरे को, मैं वापस कर दूंगा अगर मेरे को ये अगर ढीला हुआ ना वापस कर दूंगा, मैं बोला। क्या आ गया, होय 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 होय। 5 minutes later. So guys, यहाँ पे आए हुए थे हम और गाड़ी हमने वहाँ पे लगाई है। इतनी दूर देखो, वहाँ पे वो खड़ी, इतनी दूर जाना पड़ेगा गाड़ी लेने के लिए। चाबी ले ली क्या तुमने? चलो। और हरमन मजा आ गया, अच्छा था। फास्ट फूड खिलाया कर, जिम जाते हैं। ये हमारा जिम है गाइस, ये हमारा जिम है। और इधर हम गए थे बर्गर किंग पे। मैं तो कभी खाता नहीं फास्ट फूड, ये मेरे को हमेशा खींच के लेके जाता है। अरे भाई, घर के पराठे खा, सब खा, बाहर का क्यों खाना है, हैं? मेरे को हमेशा लेके जाता है गाइस, ये क्या ही बोलूं। वो खड़ी हमारी बिल्लो रानी, चलो निकालते हैं। चलो इतने पर अभी सबसे पहले मस्जिद जाना है क्योंकि नमाज पढ़नी है। तो पहले मस्जिद जाते हैं, फिर नमाज पढ़ लेते हैं मस्जिद जाके। रास्ते में मस्जिद है वागोली की, वहाँ पे इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। एक पार मतलब एक बजे हम आए वहाँ पे तो सही रहेगा ना? हाँ, एक बजे सही रहेगा। जी जी, मैं शूट कर सकता हूँ आपका खुतबा वहाँ पे आके? ठीक है जी, ठीक है, चलेगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, आपका खुतबा सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब को कॉल किया था जो मस्जिद अल अक्सा के मुफ्ती साहब है, यरोड़ा मस्जिद। तो इंशाल्लाह कल वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात भी होगी और उनका खुतबा सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन खुतबा होता है उनका, मुझे तो उनका खुतबा बहुत पसंद है। फर्स्ट टाइम जब गया था ना, तब से अब तक अभी भी याद है मुझे। हमने छुप छुप के रिकॉर्डिंग की थी तो इसलिए मैंने अभी इजाज़त ले ली उनसे कि सर अभी हम आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्योंकि मुझे उनका खुतबा बहुत अच्छा लगता है, लोगों को समझ आना चाहिए, पता लगना चाहिए। एक मुफ्ती सुल्तान हमारे दोनों फेवरेट मुफ्ती साहब हैं मेरे। तो इंशाल्लाह इनसे मुलाकात होगी कल, कल जुम्मा है तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे और आपको तारुफ कराएंगे इनसे, बुला इनसे मिलवाएंगे और इनका खुतबा भी सुनाएंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैर। तो गाइस अभी नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में हम लोग, वुज़ू। चलो few moments later. Guys, finally, जमात मिल गई थी हमें, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गए। मैं उधर ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी पीछे, मेरे को लगा पता नहीं टाइम निकलना है। करेक्ट टाइम पे पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गए, काम हो गया अपना, दैट इज़ वेरी गुड। मैंने अभी ये अपना वो बना लिया, मतलब आज से मैंने ना ये चीज़ ठान ली है। पहले नहीं करता था मैं ज़्यादातर ये चीज़ कि हम जब भी बाहर जाएंगे घर से बाहर तो जो नमाज होती है, मैं पहले क्या करता था, पहले मैं जब भी बाहर जाना होता है ना तो घर पे नमाज जमा करके पढ़ लेता था, ठीक है, या फिर घर पे आके पढ़ लेता था या फिर। बट अभी हम क्या करेंगे, अब जब भी हम बाहर जाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला हम बाहर नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, जो भी वो वक्त की नमाज होगी, मतलब मस्जिद में पढ़ेंगे। इसी बहाने मस्जिद में नमाज तो नसीब होगी, नहीं तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते हैं, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे इस चीज़ में। तो गाइस हम यहाँ पे आए थे और अभी डैडी जा रहे हैं, डैडी ने गाड़ी ले ली, हमसे गुस्सा हो गए डैडी, बोले तुम इतना टाइम से क्या कर रहे थे। डैडी को गाड़ी चाहिए थी और हम कब से गाड़ी लेके गए हुए थे, अभी जस्ट आए ना घर पे। देखो डैडी अभी मस्त अपने फ़ोन से सब कुछ सेटिंग कर रहे हैं, फिर देखो मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू भी मुझसे प्यार कर। मेरा अल्लाह कहता है, जब मेरे सिवा कोई नहीं
तो तुम मुझे छोड़ के कहाँ भागे जा रहे हो? इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं, उन्हें पता है कि अल्लाह है, अल्लाह ही है जो हर चीज करता है। इसीलिए तो मेरा अल्लाह इंसानों से गिला करता है कि मुझे छोड़ के औरों के पास क्यों जाते हो? क्या अल्लाह के खजाने कम हो गए? किसने जमीन आसमान बनाए? किसने पानी को बरसाया? किसने इस जमीन को इंसान के लिए नेमत बनाया? सिर्फ एक दरख्त पैदा करके दिखा दो, सिर्फ एक दरख्त, वो सारे शिर्क की जड़ को खत्म करके रख देता है। अब बताओ, है कोई अल्लाह के सिवा? है कोई? तो फिर क्यों इधर उधर जा रहे हो? अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम भी अल्लाह से मोहब्बत करो।